गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम पार्ट चार पढ़ाएंगे। एक तिनका, पार्ट चार का एक तिनका। एक तिनका कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी है। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी है। तो एक कविता में कभी एक तिनका के विषय में, एक छोटी चीज का महत्व के विषय में बतलाए कि एक छोटी सी छोटी चीज का महत्व समझनी चाहिए, उसको तुच्छ की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। एक छोटी चीज भी बड़ी चीज का मुकाबला कर सकता है। जैसे बच्चों, आप लोग एक हाथी और चींटी की कहानी सुने होंगे। जो हाथी था, वह हाथी विशाल होता ही है, लेकिन वह अपने घमंड में बहुत रहता था, छोटे छोटे जानवर को तंग किया करता था और चींटी को भी तंग किया करता था। एक दिन चींटी सोची कि चलिए आज उनको हरा देते हैं। तो एक चींटी भी हाथी के सूंड में घुस गई, जिससे हाथी का घमंड चूर हो गया। तो और इस कविता में कभी घमंड नहीं करनी चाहिए, घमंड करनी अच्छी बात नहीं होती है। तो इस घमंड नहीं करना है, तो इस कविता के माध्यम से कवि दर्शाए हैं। इस कविता में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जिसका शब्दार्थ आप लोग किताब में देख लीजिए। आप लोग उसको अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और शब्दार्थ सभी बच्चों को याद करना है। पहले शब्दार्थ लिखकर याद करना है बच्चों, ठीक है। और 1, 2, 3 लेसन आप लोग का हो चुका है, आज 4 लेसन पर ध्यान दीजिए। चलिए ये पंक्ति हम पढ़ते हैं। एक तिनका, एक तिनका कविता में कभी अपने विषय में बतला रहे हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कभी बता रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ऐठा का मतलब होता है अकड़। मैं अकड़ा हुआ था, अपने घमंडों में भरा था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन कभी वह मुंडेरे यानी छज्जा पर खड़े थे और घमंडों में भरे हुए थे और ऐठ रहे थे और सोच रहे थे, वो खड़े होके छज्जे पर खड़े होके सोच रहे थे कि मैं बहुत, मेरी कायर जो है बहुत बलशाली है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। कोई किसी की जरूरत जो पड़े वो मेरे पास आए, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वह न जाने बहुत सारी बातें अपने मन में सोच रहे थे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञानशाली हूँ। इस तरह की बातें कवि के मन में आ रही थी। वो छज्जे पे खड़े होके देखिए कैसे कवि का फोटो दिया गया है, उस व्यक्ति का फोटो कैसे दिया गया है। छज्जे पे खड़े होके एकदम अकड़ के खड़े हैं, है ना, ऐठ के खड़े हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है। चलिए दो पंक्ति में है ना। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। फिर कहां न जाने किस हवा के झोंके से एक छोटी सी तिनका आगे उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में पड़ गया। किसकी आंख में पड़ गया? कवि की आंख में पड़ गया, ठीक है। इस चार पंक्तियां में यही दिया गया है, कभी घमंड से भरे हुए हैं, छज्जा पर खड़े होके ऐठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे ऐसा कोई नहीं है, और तब उड़ता हुआ एक तिनका आया और कभी के आंख में पड़ गया। चार पंक्तियां ये हैं। फिर आगे नीचे आइए, सभी किताब खोले हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए नीचे आकर देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा,
आग में कुछ पड़ जाता तो आदमी कपड़े का बत्ती या मुंह बना के गोल सा करके आग में सेकने के लिए करता है। तो लोग वहां ऊपर खड़े थे, वह देख रहे थे कि वहां कभी क्यों बेचैन हो रहे हैं। क्या कहना चाहता है?
जाएगा। वैसे आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। नंबर फोर, तिनका आंख में पड़ के क्या कर सकता है? अगर एक तिनका पड़ जाए आंख से जल्दी नहीं निकल पाए तो आंख क्या खराब हो जाएगा ना, हो जाएगा। जब तिनका नहीं निकलेगा तो उसमें बहुत सारे समस्या आ जाएगी आंख में। तो तिनका आंख में पड़कर आंखों को दृष्टिहीन कर सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम आप लोगों को एक तिनका कविता इतना पढ़ा चुके हैं। फिर दूसरे दिन